हटेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू सेब अंसारी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं सारे भाई खैर खरीय से होंगे। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो फ्राइडे है जी, आज छत पे आए हैं, काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, गुड्डे शुड्डे भी चढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग आपको फ्लाई करके दिखाएंगे जी गोल्डन एक्स के साथ। तो ये पीस है, पीस आप लोगों ने लास्ट वीडियो में इसका रिव्यू चेक किया होगा। तो बाकी राड वगैरह इसको लगा लिया, ओके कर लिया। तो अब मैं आडा गुड्डा जो लास्ट फ्राइडे हम लोगों ने उड़ाया था, इसके साथ हम लोगों ने, आप लोगों को याद होगा, 6-7 गुड्डे काटे थे। तो आज इसको ही पहला गुड्डा मैं चढ़ाऊँगा, तो बाद में हम लोग दूसरे भी चढ़ाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट गुड्डा जी उड़ा दिया हुआ है गोल्डन एक्स के साथ। तो गुड्डे शुड्डे अब जौन सा पास आएगा उसके साथ निज़ाम करेंगे। केमिकल बड़ी अच्छी है, फुल लेवल की लग रही है हाथ में पकड़ी। तो धागा दरमियाना धागा है इसका, ना ज़्यादा मोटी है ना बारीक है, और इजीली आप लोग 1.5 तवा इसके साथ उड़ा सकते हो। बाकी अब मैंने आडा गुड्डा इसके साथ उड़ाया हुआ, ही चेक करेंगे फुल, कोई नहीं ढीली भी नहीं पड़ रही और ना ही टूटने का कोई खतरा है। तो वो वाइट गुड्डा आगे से आ रहा है, ये मोहल्ले का हमारा खिच्चर है जी, वो उसने चढ़ाया हुआ है। 100,000 जरा कम ही है गुड्डा, से भी ढीला है गुड्डा, ना ढीला करेंगे। देखे जी बेटा हो गया, चले काट दिया जी पहला गुड्डा। पहले नीचे नहीं था आ रहा, पहले नीचे नहीं था आ रहा, वो हवा थोड़ी सी इधर कम थी, मैंने घुमा के नीचे लाने की कोशिश की, आ ही नहीं था रहा। वो आगे से एक वाइट उड़ रहा है, उसको खींच के ट्राई करते हैं, वो अंकल ही चढ़ा रहे हैं। किधर गया वो हो रहा, वो हो रहा है गुड्डा, थोड़ा सा चढ़ा ज्यादा ले चढ़ाऊंगा, चढ़ा नजर आ रहा है इसके अंदर कैमरे के। वो पीछे से उड़ रहा है यार, वो नहीं वो ही उड़ा रहे हैं यार उसी छत से। तो ये देखेंगे वो गुड्डा, इसको खींच मारते हैं यार, वो अंकल की छत से दुकल चढ़ती है। वो ऊपर है जी गुड्डा वाइट कलर का, काफी दूर है, आसमान भी वाइट है, इस वजह से क्लियरली नजर आ नहीं रहा। और ये हमारा गुड्डा है जी, वो चेक करें जी, काट दिया गुड्डा, खिंच मार दिया देव भाई ने। नहीं 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 चेक करें जी, पीछे आप लोगों ने चेक की होगी बड़ी लेवल की बड़ी है। अंकल ये सोच रहे थे कि इनको पता ही नहीं है कहाँ से मैं उड़ा रहा हूँ, हमें पता था यहाँ से उड़ता है गुड्डा, तो हमें पता था यहीं से उड़ रहा है। मैंने पहले सोचा कि पीछे से उड़ रहा है, लेकिन वहीं से उड़ रहा था, मैंने वहाँ पे गुड्डा उतना तकरीबन चढ़ा के अंदाजन मारी है और लग गई है वो दूसरा गार्ड, वो आगे से भी वो ज्यादा दूर है। कौन उड़ा रहा वो चेक कर सकते हैं जी, राइट साइड पे जी गुड्डा मारा, वो ही करने लगा।
नंबर कटे आया ना आप लग रहे हैं ना जन्नी वो चढ़ गया छोड़ दे वो चढ़ गया उधर से वो काला जड़ा दे रहा उधर तो बेचा होने था रहा वहाँ उस साइड की है ही नहीं गुड्डे को इतनी लग भी नहीं रही तो इधर ले आए हम गुड्डा ये ब्लैक कलर का गुड्डा है राइट साइड पे और ये हमारा गुड्डा है इसके साथ करते हैं ट्राई अब आगे देखी नीचे वाला गुड्डा डोर के साथ है गुड्डा नीचे से लेके जा रेड वाली साइड नहीं है रेड वाली साइड वहां से घुमा के लेके जा गुड्डा उसका भी कट गया गुड्डा जी धोखे में कट गया हम लोग ब्लैक को उठाने जा रहे थे आगे से वाइट चल रहा था उसके साथ पेचा लग के गुड्डा कट गया हमारा नेड़ तावे को तला में डाल रहे हैं जेब भाई अब इसको उड़ाते हैं फिर आपको इसके साथ रिव्यू देंगे आगे तो मैंने आटा गुड्डा उड़ाया था उसके साथ आपके सामने दो गुड्डे काटे थे बड़े लेवल से करके खिंच भी आप लोगों ने देखी ये केमिकल जो ब्रीक होती है ना उसके साथ खिंच इजीली लग जाती है जो मोटी केमिकल होती है उसके साथ खिंच लगाना ज़रा मुश्किल होता है तो बाकी ये है कि ब्रीक केमिकल अच्छी होती है मोटी से डेढ़ दावा ओके कर दी है जी देखो उड़ाते हैं कितना खूबसूरत गुड्डा देख सकते हैं आप लोग बड़ा मजे का थोड़ा सा कनी खा रहा है बाकी कोई नहीं करते हैं नजाम गुड्डे पता नहीं क्या है यार लोग चढ़ाते हैं आज छुट्टी है फिर भी छुट्टी थी आज तो फिर भी गुड्डे उड़ ही नहीं रहे गुड्डों में तो होना चाहिए गुड्डे उड़ रहे हों बंदा गुड्डा चढ़ाए और पीछा करे फिर अब गुड्डा चढ़ाना पड़ता है फिर सेट करना पड़ता है फिर पेचा करना पड़ता है वो निज़ाम ठीक नहीं है काफ़ी दूर हैं वो आगे गुड्डे जो हैं उतना उड़ाना पड़ेगा हमें आसपास तो कोई भी नहीं है गुड्डा हमारे वो ऊपर है एक रेड कलर का और इस साइड पे है
अच्छा गिव अवे जो है वो हम कल या परसों करेंगे इंशाल्लाह, सैटरडे या संडे देख लेंगे, जो भी दिन आपको बता देंगे पहले, लेकिन इस वीकेंड पे इंशाल्लाह हो जाएगा, या सैटरडे को होगा या संडे को। और कुछ लोगों की बाद में कमेंट आ रहे थे, हमने कमेंटिंग उसमें ऑफ का ऑप्शन होता नहीं है, अगर करें तो पिछले कमेंट्स भी जो है ना वो गायब हो जाते हैं, तो इस वजह से हमने ऑफ़ नहीं था किया। तो जो लोग ट्यूसडे के बाद जिन्होंने कमेंट किया उनका नेम नहीं इंक्लूड होगा। ये भी एक बात सुन लें कि जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और वो कमेंट कर रहे हैं तो उनका कमेंट शुमार नहीं किया जाएगा इसके अंदर। लाजमी है आपने एक आधी वीडियो को लाइक किया हो, आपने कमेंट किया हो, और सबसे अहम है जी सब्सक्राइब करना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पहले कभी नज़र भी नहीं आए और आके ना कमेंट किया हुआ, गिव अवे देखा और कमेंट कर दिया। तो बात ये है कि आप लोगों ने ईमानदारी से सब्सक्राइब भी कर दें, जारी सी बात है एक एक सब्सक्राइबर ही है आप लोगों ने करना, उसमें कौन सा इतना है, क्योंकि आप गिव अवे में पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, तो आपको चाहिए कि सब्सक्राइब भी करें। वो वाइट गुड्डा जिसके साथ हमारा पहले पेचा हुआ है, जो कट गया था हमारा गुड्डा, अब उसके साथ ही दोबारा पेचा हो रहा है हमारा, चेक कर सकते हैं जी, पता नहीं ऊपर से हुआ या नीचे से, लेकिन हो गया हमारा गुड्डा, अब नीचे है फिलहाल। हो गया पेचा? हाँ हो गया जी, दूर चेक करें जी कितना है। खुल गया, उठाओ इसको नीचे से, केमिकल भी हट रही है, थोड़ा सा तन पे रख के उठाओ, हैंड मूवमेंट आपको शो करा देते हैं। बाकी पेचा तो ये काफ़ी डिफ़िकल्टी है क्योंकि हवा लग नहीं रही गुड्डे को, और डेढ़ तवा हमारा गुड्डा है, उसको उठाना उस हिसाब से। केमिकल मैंने पकड़ ली है जी, एंड मूवमेंट ही आपको दिखाएंगे, बाद में बताते हैं क्या रिजल्ट है। वो चेक करें जी, वो नीचे देखें जी जा रहा है, वो बिल्कुल काफ़ी मैंने जूम किया हुआ है, नज़र आ रहा होगा आपको, वो नीचे जाता हुआ, वो ऊपर गुड्डा है जी हमारा, चेक करें जी कितना दूर है। इसके साथ पीस करते हैं इसको फुल चलामों से, वो देखें जी ब्लैक कलर का गुड्डा है नीचे, ये ऊपर हमारा गुड्डा है और ये नीचे ब्लैक है, तो इसके साथ अब करते हैं बेचा। पिछला पेचा तो बड़ा मज़े का हुआ है जी, चेक किया हो ना आपने, आपको हैंड मूवमेंट सारी मैंने दिखाई है, क्योंकि पेचा जो है ना वो मज़ा ही उसका, मज़ा ही उसका ऐसे आता है, क्योंकि गुड्डा तो कट ही जाता है या कट अपना कट जाता है अगले का, लेकिन जो हैंड मूवमेंट होती है और पेचा किस तरह किया जाता है असल वही चीज़ होती है। तो ये है जी हमारा गुड्डा ऊपर और ये ब्लैक है जी नीचे, उठाने आ रहा है वो हमें, चेक करें जी पेचा हो गया जी भरपूर तरीके से काट दिया गया है, देखिए जी कट गया जी ब्लैक कलर का, ये हमारा है। एक चीज मैं इधर आपको गाइडलाइन देने वाला हूँ, मैंने डेढ़ तवा गुड्डा उठाया हुआ है और वो बंदा मुझे उठा रहा है नीचे से, और उठाया से रहा है कि उसका ये इतना फासला है गुड्डे का मेरे डोर से आगे, ऐसे गुड्डा आप डेढ़ तवा नहीं काट सकते हाथों से उठाएंगे, तो फिर डेढ़ तवा आप लोग नहीं तो हाथों से उठाए, नहीं तो आपने इतना गुड्डा चढ़ाया हो कि अगले का छत्तल हुआ हो जब आप उठाएंगे गुड्डा, ये सीन है। तो अब देखिए उसने गुड्डा मेरा गलत उठाया, मैंने लच्छी मारे हैं बस, उधर मैं ढील भी दे देता उसका कट जाना, क्योंकि डेढ़ तवा गुड्डा वजन वैसे ही उसका ज़्यादा होता है। तो बाकी आप लोगों ने देखा क्या सीन हुआ है उसके साथ, अब गुड्डा बहुत ऊँची लग गया हुआ है, दो गुड्डे थे पहले वो मुझे पेचा इसके साथ नहीं था करने दे रहा, मैंने उसका काटा फिर इसका काटा, तो अब इसको थोड़ा सा उतारते हैं फिर करते हैं सीन क्या बनता है देख। बाकी ये आप देख सकते हैं हम लोगों ने गुड्डा फुल उतार दिया है, देखिए जी कहाँ पे आ गया, बहुत चढ़ा हुआ था
अभी भी ऊपर ऊंचा ही है काफी, अभी भी ऊंचा ही है, लेकिन ये बहुत तो ज्यादा उतारा है हमने। वो आगे से एक फिर चढ़ा है जिसका काटा है हमने पहले, उसके साथ करना है, उसके साथ ही करना है। तो भाई केमिकल का मैं बताता चलूँ यार, ये केमिकल मेरी तरफ से फुल रिकमेंडेड है, आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बसंत के लिए परचेज कर सकते हैं। गोल्डन एक्स के नाम से केमिकल है, आप लोग परचेज कर सकते हैं, तो मज़ा आएगा आप लोगों को। बाकी खिंचे वगैरह भी इसके साथ आप लोग मार सकते हो, और हो गया बिजा तकरीबन। गुड्डा देखेंगे मारा तालाब क्या खुला हुआ है, हो गया जी सीधा। हाँ कौन से उठाओ, उठाओ गाड़ी वगैरह डाल देनी है किसी ने, लग रहा है उसका कट गया और तुम का छोड़ नहीं मैं सकता, नजर आ रहा है उसका, नहीं कट गया है उसका, उठाओ ऊपर फुल करके उठाओ ऊपर लच्छे मार के, है केमिकल ऊपर कट गया जी मेरा ख्याल, मेरे हिसाब से भी कट गया, नजर तो नहीं आ रहा कट गया, बुढ़ा देख लें जी काट दिया है। ये चेक करें जी पेचे हो रहे हैं ऊपर, फुल हैवी पेचे हो रहे हैं, बच्चों वाला पेचा कर रहे हैं जी कि मैं इधर से उठा के खींच मार दूँ, इतनी भी अभी बात कोई नहीं है, आवाम ना ज्यादा ही ढीला ले रही है। पहचान नहीं हुआ मेरे से, मैंने बहुत ना मैंने समझा था कि उसके ऊपर गिर जाएगा, तो बाकी बच गया वो। तो जी बाकी मैं बता रहा था आप लोगों को, ये केमिकल मेरी तरफ से फुल रिकमेंडेड है, आप लोग बसंत के लिए परचेज करें जी, मज़ा आएगा। खिंचे वगैरह भी आप इसके साथ मार सकते हैं, मैंने आप लोगों को आगे मार के भी दिखाई है, नीचे से भी पेचे की हैं ऊपर से भी पेचे की हैं, तो आप लोगों ने देखा क्या रिजल्ट निकला है। तो बाकी लेवल की केमिकल है, वेट इसका 1 kg है, 1 kg प्लस ही है, तो आप लोग इसको परचेज करें जी, प्राइस भी इसकी अच्छी है। तो इसी के साथ जी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर पेश करिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।